नमस्कार, मैं रेखा और मेरे सुपर रसोई में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए बालूशाही की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है और इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हम देख लेते हैं। बट ये किसी भी ओकेजन पे आप बना सकते हैं। कभी भी आपका मीठा खाने का दिल करे तो बालूशाही बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए, बहुत ही यम्मी है ये, और इसे बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए, हम बनाने के लिए इसे सामग्री नोट कर लीजिए। तो चलिए, बालूशाही बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है देख लेते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम मैदा ली है और 1 कप मैंने चीनी ली है, यानी कि मैदा की आप ली है। और यहाँ मैंने घी लिया है और कलर लिया है फूड कलर, यानी कि ऑरेंज वाला, और कुछ इलायची ली है, और मैं बेकिंग सोडा भी लेने वाली हूँ। और ये 250 ग्राम है, ये 250 ग्राम यानी कि 240 का होता है, बट मैंने इसे भर के लिया है तो ये 250 ग्राम हो गया। तो चलिए बना लेते हैं बालूशाही। तो देखिए, यहाँ मैंने छन्नी लगा ली है और मैं मैदा इसमें डाल लेती हूँ और इसे अच्छे से छान लेंगे। जब भी आप मैदा इस्तेमाल करें, छान कर ही ले ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह हो तो निकल जाए। देखिए, तो मैंने मैदा छान लिए। आधा छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग। और इसे हाथ से मिला लेते हैं इस तरह। और अब मैं इसमें घी डालने वाली हूँ, और घी इसमें कितना लगेगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ घी लिया है, देसी घी, थोड़ा मेल्ट जमा हुआ है ये देखिए। और मैं इसे मिलाऊंगी, और हम इसे इतना घी डालेंगे जैसे कि हमारी मुट्ठी बन जाए, इसमें लड्डू बन जाए एक तरह से। देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ताकि हमारी बालूशाही बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट बने। देखिए, अभी हमारा लड्डू नहीं बना है, यानी कि देखिए, तो इसमें घी और डाल देती हूँ। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। ये देखिए, 5-6 चम्मच आपको घी की लगेगी, आप इसमें रिफाइंड भी ले लीजिएगा, बट मैंने घी से बनाई है क्योंकि घी से बहुत ही खस्ता बनती है और बहुत अच्छी बालूशाही बनेगी, बहुत ही टेस्टी। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसे फटाफट बनाइए, ये बहुत जल्दी बन जाती है, बट थोड़ा सा पकने में थोड़ा टाइम लेती है। अब ये देखिए, आप कितने अच्छे से हमारा लड्डू तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब ये आटा बन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका आटा, टाइट आटा लगाना है हमें, हमें सॉफ्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसका आटा सॉफ्ट नहीं करना है, हमें टाइट ही बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, बहुत सारा पानी मत डालिएगा। ये देखिए, मैं आपको कंटिन्यू दिखा रही हूँ ताकि आप आटे को अच्छे से बना सकें। ये देखिए, इस तरह से इसे सिर्फ बाइंड करना है आपको, गूंथना नहीं है। आप इस तरह से गूंथिएगा मत इसके आटे की तरह, बस इसे इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए, जैसे हम ये देखिए इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। बहुत ही कम पानी लगेगा इसमें। देखिए, हमारा आटा लग चुका है और मैंने बहुत ही हार्ड आटा लगाया है, सॉफ्ट नहीं बनाया है। अगर आप सॉफ्ट बनाएंगे तो बालूशाही खस्ता नहीं बनेगी। और अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देती हूँ और फिर चाशनी बना लेते हैं। तो देखिए, मैं यह ना भगोनी लेनी है और इसमें मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ, और इसी कप से नाप कर हम पानी भी डाल देंगे और इसे गैस चलाकर मेल्ट कर लेती हूँ। इसमें उबाल आने देती हूँ मैं, मेल्ट हो जाएगी ये, तब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। देखिए, हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, बट अभी चाशनी बनी नहीं है, पर उससे पहले मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूँ। ये देखिए, इलायची पाउडर डाल देती हूँ और थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा। देखिए, बहुत थोड़ा सा, ताकि हमारी बालूशाही थोड़ी अच्छे से कलर में हो जाए, अच्छे कलर उनका फूड। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास इस समय केसर नहीं है, इसलिए मैंने फूड कलर डाल दिया। और आपको तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो देखिए, इसे बनने देती हूँ। तो चलिए, हमारा आटा देख लेते हैं। जब तक हमारी चाशनी बन रही है, हम बालूशाही बना लेंगे और इस तरह से
ये दो भाग कर लूँगी। आपको इसे गूंदना नहीं है बिल्कुल भी, बस इसी तरह से छोटी छोटी इस तरह से कर लेंगे, और आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उतनी बड़ी इस तरह से तोड़ लेते हैं इसके। इसका भी मैं इसी तरह से तोड़ लूँगी। तो देखिए मैंने सभी को तोड़ लिया है, और इस तरह से आप इस तरह से बनाइए गोल गोल। आप ये मत समझिए कि आपकी बालूशाही फट रही है, उसमें सेफ नहीं है अच्छा सा। आपकी बालूशाही में जितने क्रैक्स होंगे तभी वो अपने अंदर चाशनी को सोखेगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से क्रैक्स, कोई बात नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से मैं सारी बालूशाही बना लूँगी। मैं दूसरी बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम सारी बालूशाही बना लेंगे। देखिए चाशनी हमारी बन चुकी है, और ये देखिए लास्ट का ड्रो तार की तरह बनकर गिर रहा है, इसका मतलब आपकी चाशनी बन चुकी है, 5 मिनट में बन जाती है। तो देखिए हमारी बालूशाही तैयार हो चुकी है, और अब मैं गैस पर ऑयल चढ़ा देती हूँ। तो देखिए मैंने ऑयल ले लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, तो मैं इसे गर्म होने देती हूँ, बट हमें ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए इसमें। बहुत ज़्यादा गर्म लेंगे तो आपकी बालूशाही बाहर से बन जाएगी, अंदर से नहीं बन पाएगी। तो हमें बहुत कम इसे गर्म करना है, मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए हम ऑयल चेक कर लेते हैं, और ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, बस हमें इतना ही गर्म चाहिए। और आप अच्छे से बहुत सारे डालिए, एक एक करके मत डालिएगा, यानी कि मतलब ज़्यादा डालिएगा ताकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही हो। जितनी आपकी बालूशाही आ जाए आप उतना डाल दीजिए। तो देखिए अब मैं इसे बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, ये बहुत ही कम गैस पर बनती है, यानी कि बिल्कुल कम कर रखा है मैंने, क्योंकि अगर आप हाई पे करेंगे तो ये अंदर से नहीं बन पाएगी, और इसे बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। बहुत ही आराम आराम से बनेगी ये, बट खाने के बाद बहुत टेस्टी लगेगी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो चलिए मैं इन्हें बनने देती हूँ, फिर पलटूंगी जब मैं आपको फिर से बताऊँ। इसे बनने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएगी। तो चलिए मैं इन्हें पलट देती हूँ, और ये देखिए और मैंने गोल्डन होने तक पकाऊंगी। ये देखिए अभी एक साइड इनकी बहुत सॉफ्ट है, और एक साइड ये थोड़ी बन चुकी है, और ये जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं इनसे इनमें चाशनी बहुत अच्छे से जाएगी, और बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही यम्मी हो जाएगी। तो चलिए इसे बनने देती हूँ। तो देखिए हमारी बालूशाही बन चुकी है, और काफ़ी अच्छे से सिक चुकी है देखिए। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए हमारी बालूशाही बन चुकी है, और बहुत ही खस्ता बनी है। तो चलिए मैं इसे चाशनी में डिप कर लेती हूँ इस तरह से। आप इसे, मेरी चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं है, ये थोड़ी गर्म है, और मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है। आप गरम गरम मत डालिएगा वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस तरह से आप इस पर 2-3 मिनट के लिए आप इसमें छोड़ दीजिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इसमें डालकर, और इस तरह से इसे रख दीजिएगा। ये देखिए ये जो भी क्रैक्स हैं इसमें, ये देखिए ये अच्छे से अंदर चाशनी पी लेते हैं। ये देखिए अंदर तक चाशनी इसके चली जाती है, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको इसमें रहने देती हूँ 2-3 मिनट के लिए, और फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी बालूशाही तैयार है, और बहुत ही खस्ता बहुत ही टेस्टी बालूशाही बनी है, और इसे बनाना बहुत ही आसान था, बहुत ईजी है। तो प्लीज़ आप बनाइएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।